नमस्कार, मैं हूं अंजी डोगरा। हिंदुस्तान न्यूज 24 में आपका स्वागत है। अब आज के कुछ मुख्य समाचार। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का 64वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया लखीमपुर खीरी में। जैसा कि आप सबको पता है कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी का 64वां जन्मदिन लखीमपुर में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पिछली बार की तरह बसपा प्रमुख मायावती का जन्मदिन जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया। हालांकि मायावती जब सत्ता में थी तब जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया जाता था, लेकिन अब उनका जन्मदिन उतनी धूमधाम से नहीं मनाया जाता। इस मौके पर बसपा जिला अध्यक्ष और पूर्व जिला अध्यक्ष ने तमाम साथियों के साथ मौजूद रहे। इस अवसर पर एक खास केक का इंतजाम किया गया, जिसमें बसपा जिला अध्यक्ष ने अपने साथियों के साथ मिलकर केक काटा। देश को एक संदेश दिया कि सुश्री मायावती जी का जीवन हमेशा बहुजन समाज के कल्याण के लिए कार्य कर रहा है और आगे भी ऐसा ही करेंगी। बहन जी को 2022 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का भी संकल्प लिया है। रिपोर्ट लक्ष्मीकांत गुप्ता, लखीमपुर खीरी, हिंदुस्तान न्यूज 24। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री का जन्मदिन है, क्या कुछ संदेश देंगे कुछ उसके बारे में, आगे की रणनीति क्या होगी, 2022 के बारे में कुछ बनाई गई हो तो वो भी आप बताएं। आज माननीय बहन जी का 64वां जन्मदिन है, जो जन कल्याणकारी के रूप में मनाया जाता है और पूरे देश में माननीय बहन जी का जन्मदिन मनाया जाता है। और जैसा कि आप पूछ रहे हैं, संदेश 2022 में बहुजन समाज पार्टी की शेरनी बहना बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेंगी, ये हम जन जन तक ले जाएंगे। और माननीय बहन जी के काम के बारे में आप जानते हैं, जब जब उनकी सरकार रही है, 4 बार की सरकार रही है, आज तो पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में भय व्याप्त है। बच्चे स्कूल के लिए जाते हैं और जब तक बच्चे स्कूल से घर वापस नहीं आते हैं तब तक उनके माता पिता का दिल धड़कता रहता है। ये जंगल राज उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में कायम है। क्या कोई कानून व्यवस्था सुधारी जाएगी? कानून व्यवस्था तो आप देख ही रहे हैं, जहां अधिकारियों के 22-22 IAS और PCS के ट्रांसफर एक साथ हो रहे हैं। जब हमारी सरकार में होते थे तो आप यही मीडिया भाई कह रहे थे, यहाँ तो उद्योग लगा हुआ है और आज ये उद्योग नहीं है। और सुश्री बहन मायावती जी, 64वां जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं। आज की शोभा बढ़ा रहे सर, मैं जानना चाहता हूँ जैसे कि बहुजन समाज पार्टी समाज में कैसे कार्य करेगी, कि बहुजन समाज पार्टी का नेटवर्क क्यों विफल होता जा रहा है, मैं इसके बारे में जानकारी लेना चाहता हूँ। बहुजन समाज पार्टी संगठन के रूप में माननीय बहन जी का आदेश मिलेगा, 2022 चुनाव की तैयारी हम लोग को डोर टू डोर संपर्क करना चाहिए। ये डोर टू डोर हमारे पदाधिकारी हमें करते रहे सेक्टर कमेटी विधानसभा रहे जी। क्या बहन कुमारी मायावती जी आज अपने जन्मदिन पर नया कुछ ऐलान करने के लिए चाह रहे हैं? अगर ऐसी कोई सूचना होगी तो आप लोगों को सबसे पहले पता चल जाएगा। अभी तो हम माननीय बहन जी के जन्मदिन यहाँ पर कार्यक्रम मना रहे हैं, लेकिन जैसे कि अगली कोई सूचना मिलती है या कोई नया निर्देश युवा एक धरती पे बसपा को दिया गया है और इस बार में क्या जज्बा है, आने वाले समय में आप लोगों को बताएंगे जनता को क्या संख्या में उपस्थित हुए हैं, कार्यकर्ता गण से आए हुए